किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो बागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो, हमारे यहां ये नहीं है। तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। बागवती जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। बागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो बागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। बागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है हृदय, और जैसे जठर है जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4:30, तो 2:15 बजे, 1.5 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं। इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है, हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है उसको, भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है ये सबसे अच्छा 7 से 9:30, तो आप भरपेट खाना खाइए, हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी, जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। तो बागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और बागवती जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड,
और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बागवती जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैंने ये बागवती जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी हैं। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है, खूब जम के खाती है। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं, किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछ है, आपको नहीं है, बाकी सब कुछ एक ही है। आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है। मां का गर्भाशय बंदरिया का गर्भाशय, सब समान है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका आरएच फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है। और आपका आरएच फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया, बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भरपेट खाओ। कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह। तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और 2.5 घंटे तक, माने 9:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है, ये अंग्रेजों की है। और आप जानते हैं ना हमारे यहां चक्कर क्या चल गया, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज्यादा करेंगे, डिनर उससे भी ज्यादा करेंगे, सवा सत्यानाश, एकदम उल्टा। बागवती जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता, साल में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जो जठर अग्नि है ना, ये सूरज के साथ सीधे संबंधित है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा अग्नि तीव्र होगी, जैसे जैसे सूर्य कम होगा अग्नि भी कम होगी। तो वो नाश्ता हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबोहवा, अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चले। तो आपके देश की जो आबोहवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है, सुबह निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा,
करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां। इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग। इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए। ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है, और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से, ठीक है? फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए जी, हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है। किसके लिए? इसी पेट के लिए ना। ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना। तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो तो दुनियादारी संभलती है, और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना। तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है। माने आप बाहर निकलें घर के तो छक्कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, भैंस भी नहीं खाती, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा, गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हां बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पर बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हां डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।